दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छोरा 2.0 में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हुई। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए दो पोर्टेबल स्पीकर, जो कि एक है क्रेडियम का और एक है वुफ स्पीकर। हालांकि दोनों का पैटर्न, डिज़ाइन और फीचर सारे सब कुछ एक ही जैसा है, बट एक है क्रेडियम कंपनी का और एक है नई कंपनी वुफ कंपनी की। दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो ट्रांजिशन डिस्टेंस है, ये कितने मीटर तक कैचअप कर सकती है, सारी चीज़ें आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, ये रहे वो दोनों स्पीकर्स, जैसा आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पे कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग होती है इन दोनों की। बात है दोस्तों केडीएम की स्पेसिफिकेशन के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर SP113 नेक्स्ट है और लाइट फ्लैश LED के साथ मिलता है। और इसका दोस्तों म्यूजिक टाइम 5 hours का टाइम दिया गया है। और ये दोस्तों ब्लैक कलर में पोर्टेबल स्पीकर बड़े अक्षरों में लिखा है। दोस्तों बात करें इसकी, तो दोस्तों ये 510 का वर्जन है, वही पुराना वर्जन। इसका जो ट्रांजेक्शन डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर की दूरी तक आप इसको सुन सकते हैं। और आउटपुट इसका 2.5 वाट का है और वर्किंग ये 5 वोल्ट 1 एम्पीयर DC चार्जिंग के साथ सपोर्ट करता है। बैटरी इसकी 1200 mAh की मिलती है दोस्तों। और चार्जिंग टाइम इसका वही जो रेगुलर होता है, 2 से 3 घंटे के बीच में ये चार्जिंग होता है। हालांकि नॉर्मली आप इसको सुनोगे 60 या 70 के वॉल्यूम पे, तो ये आपको अप्रोक्स 8 से 9 घंटे का भी बैटरी बैकअप दे सकता है, 12 घंटे का भी दे सकता है। और फुल वॉल्यूम में आप सुनोगे तो ये आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। और बात करते हैं इसको दूसरी वूफ स्पीकर की। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर WF555 है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस म्यूजिक ब्यूटीफुल साउंड, ऐसा इसमें लिखा है सकते हैं। और वायरलेस स्पीकर ये ब्लू कलर में आता है दोस्तों। और हालांकि ये आईपैड फोन्स, आईफोन और PC सब में सपोर्टेड है। चलिए दोस्तों खोल के देखते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा तो लिखा, हाँ दोस्तों लिखा है वायरलेस है, 3 से 4 घंटे का ये बैटरी बैकअप दे सकता है। वायरलेस माइक, हैंड्स फ्री फोन कॉल, अटेंडेंट फंक्शन और भी अटर फटर लिखा है, मेड इन PRC दोस्तों। हालांकि इस पर भी लिखा ही होगा PRC, आप इस पर भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा मेड इन PRC। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये है मेड इन PRC। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो चलिए खोल के देखते हैं। सिंपल सा बॉक्स है दोस्तों, मैट फिनिशिंग बॉक्स है इसका। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक है केबल, V8 का केबल है ये। ये है वो स्पीकर, बस इतना ही बॉक्स के अंदर मिलता है हमको। दोस्तों बात करें केबल की, तो केबल नॉर्मल ये ठीक ठाक है, बहुत कोई हाई क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल है, जैसे सब स्पीकर में आते हैं पोर्टेबल स्पीकर में, बस वैसे ही आते हैं। और दोस्तों पीछे देखिएगा तो आप एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिलती है कुछ इस तरह से, और पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आप मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी लगा सकते हैं। इसमें ऑक्स केबल का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसके कुछ इस तरह के बटन आते हैं जिसमें आपको प्लस माइनस पावर बटन और मूड का फंक्शन मिल जाता है, साथ ही पावर बटन भी आपको दिया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि इसमें स्टैंड भी दिया जाता है, स्टैंड भी, साथ ही और KDM का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा स्पीकर में। और पीछे की तरफ इसका जो बेस होता है वो दिया गया है। और देखने में चलिए दूसरे स्पीकर की ओर आते हैं।
सेम प्लेस सेम पैकेज। वही केबल दोस्तों V8 का केबल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बोलिए और दोस्तों साथ ही इसका भी कलर बहुत ही सुंदर है, वो का लोगो सेम टू सेम कॉपी किया गया। अब हालांकि मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि KDM ने वूफ की कॉपी की है या वूफ कंपनी ने KDM की कॉपी की है। डिज़ाइन ओवरऑल तो कॉपी हो चुकी है, कहीं ना कहीं मार खा गए। इसमें एक स्टैंड और इसमें एक स्टैंड लगता है देना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा कंपनी। और गजब कॉपी किया है, मतलब सेम टू सेम। और दोस्तों इसके भी पीछे वूफ सिस्टम मिलता है आपको बास का, सेम पैटर्न, वॉल्यूम प्लस माइनस, पावर बटन और मोड का फंक्शन आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड का स्लॉट और चार्जिंग स्लॉट। और साथ ही इसमें माइक का सपोर्ट, तो हालांकि बॉक्स के ऊपर माइक का सपोर्ट तो लिखा है बट इसके अंदर माइक का सपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि KDM कंपनी में आपको माइक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए दोनों की डिज़ाइन की, सेम पैटर्न है, सेम लुक है, सब कुछ सेम है, गजब कॉपी किया, चाइना कोई पीछे छोड़ती हुई। दोस्तों बात की जाए अब इसकी साउंड क्वालिटी की, तो ये साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कैसा है, कैसा बजता है, देखते हैं आपके सामने। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों तो पहले मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूं और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों इस पे KDM की ब्रांडिंग भी दी गई है, ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं ब्रांडिंग दी गई है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लिखना भूल गई है कंपनी। सस्ते नशे करके बैठी थी कंपनी। तो पहले चालू करते हैं KDM को। Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. Bluetooth mode. दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो वॉइस है बहुत तगड़ा है, गजब गजब कुछ इस तरह की लाइटिंग होती है दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और रात को और भी ब्यूटीफुल लगेगी जब आप इसको बजाएंगे, ये पक्का है। और मैं पैर कर लेता हूँ एक बार। कनेक्टेड हो चुकी है दोस्तों, चलिए बजाते हैं कुछ सॉन्ग्स और देखते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कैसा इसका साउंड सिस्टम, कैसी है इसकी बास क्वालिटी। पीछे हमिंग बहुत अच्छी कर रही है। चलिए दोस्तों अब वूप की स्पीकर चेक की जाए कैसी बजती है, फिर ओवरऑल मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कौन सी गजब है और कौन सी क्या है, जो भी है बाद में अब इसको सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों मैंने इसको पावर बैंक से चार्जिंग के लिए लगा तो दिया है, हालांकि आप कितनी भी कॉपी कर लें लेकिन जो कंपनी होती है वो कंपनी होती है, और वो क्यों होती है वो मैं आपको एंड में बताऊँगा वीडियो के। तो चलिए इसको चालू करते हैं, देखते हैं कैसी इसकी वॉइस क्वालिटी है स्पीकर होने पे।
A few moments later. दोस्तों ये तो मरा हुआ निकला। ये देखिए दोस्तों ये डिफेक्टिव पीस निकला है, खराब पीस, सैंपल ही पीस खराब निकल गया। खराब है दोस्तों ये स्पीकर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हो सकता है चार्जिंग नहीं हूं इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर इसको देखा जाता हूं। दोस्तों और मैं बता देना चाहता हूँ, हो सकता है ये मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट हो, मैं ऐसा नहीं कहता ये कंपनी खराब है, हालांकि मार्केट में नहीं है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, बट दोस्तों ओवरऑल ये तो फेल हो गया शुरू होने से पहले ही। बात है KDM की, तो KDM वो KDM है, बहुत अच्छी तरह से कॉपी की गई थी इसको, लेकिन ना हो सकता है इलेक्ट्रिक चीज़ें तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मैं तो कंपटीशन करने वाला था इन दोनों का, लेकिन ये कंपटीशन करने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों ओवरऑल अब मैं क्या बताऊँ, हालांकि बात रही KDM कंपनी की, तो जो मैंने आपको आधा मैं आखिरी में बताऊँगा, तो दोस्तों के जो कंपनी की चीज़ें होती है उनकी चाहे बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी होती है नॉर्मल स्पीकर से, जो आपको मार्केट में 200-300 के रेंज में मिलते हैं, और जो कंपनी की चीज़ें होती है जैसे KDM कंपनी, KDM की कंपनी की खासियत ये है कि दोस्तों इसकी बैटरी आप अगर 6 महीने 1 साल तक भी जितनी चार्जिंग है उतनी चार्जिंग करके रख दोगे और 1 साल के बाद भी उसे वापस से चालू करोगे तो दोस्तों आपको उतनी ही बैटरी के साथ होगा। ओवरऑल बात की जाए तो दोस्तों KDM कंपनी बहुत ही बेस्ट है स्पीकर के लिए, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत गजब निकली, इसको तो हालांकि मैं चेक नहीं कर पाया, तो ये जाएगा दोस्तों अब कचरे के डिब्बे के अंदर, क्योंकि इस स्पीकर में वारंटी गारंटी नहीं आती, हालांकि वारंटी गारंटी तो इसमें भी नहीं दी गई कंपनी की तरफ से, लेकिन मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ इस पर नहीं, तो दोस्तों मैं इसको फेंकता हूँ कचरे डिब्बे के अंदर। और बात की जाए KDM की तो और अब मैं इसका पूरा व्यू बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो वूफर सिस्टम है ये पीछे दी गई है, वाटरप्रूफ आती है दोस्तों स्पीकर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और दूसरी बात है इसकी साउंड क्वालिटी वो बहुत ही गजब है, बहुत ही लाउड है, और हालांकि इसका जो दूसरा भी वर्जन आता है KDM 115 वो स्पेशल बास सिस्टम के लिए आता है, बट ये दोस्तों लाउड साउंड के लिए बहुत ही अच्छा है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, और अगर आप पिक्चर या मूवी ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो स्टैंड के रूप में भी आपको काम कर सकता है। KDM इज KDM, स्पीकर इज द बेस्ट। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रोडक्ट के साथ, तब ले दोस्तों हमारे चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।